कितना मराया है, कितना गोली लगा है। जो राम भगवान जो बने थे ना, राम भगवान को गोली मार दिया जो बच्चे को। घर बना हुआ है, लोग अपने अपने घर में बंद है, नहीं निकल रहे हैं अभी, काम से बिल्कुल निकले हैं। ये सब सोचे समझे साजिश है, जुलूस में प्रशासन द्वारा किया गया है। प्लानिंग पहले से बहुत प्लानिंग था। गोली बंदूक कैसे निकल गया सोचिए आप लोग। सबसे ज्यादा जो है ना, मेन प्रशासन का कोई योगदान ही नहीं रहा। अगर इसका योगदान रहता ये सब कुछ नहीं होता। पुलिस लाइन में 10,000 से ज्यादा पुलिस है, उसको क्यों नहीं सड़क पर उतारा, महिला फोर्स के दिया बेचारी को। लोगों का ये जानकारी नहीं था कि ऐसा हंगामा होगा, खड़ा होगा यहाँ के लोग, दहशत हंगामा पैदा हो गया। अच्छा। जहाँ तहाँ तोड़फोड़ किया, जलने का शिकायत आ गया, जनता जनार्दन का सबका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी कैसी व्यवस्था? अभी तो शांत है, देख रहे हैं शांति ही है। तो भी हम लोग जाते हैं मियां के इलाके में तो मारता है, बताइए आप क्या कर सकते हैं हम लोग। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम शशांक पांडे है, बिहार शरीफ पे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आए हैं आपको। और इतवारी बाज़ार जो है वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से कल देर रात कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद पूरा जो बाज़ार है वो सन्नाटा पड़ा हुआ है। बाज़ार में आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग का आवागमन है, लेकिन बहुत कम है। जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लोग बाहर निकल रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये बिहार शरीफ की तस्वीर है। हिंसक जो है गतिविधि हुई रामनवमी के दिन, धर्मों के बीच हिंसा हो गई और उसके बाद पूरे बाज़ार को बंद कर दिया गया है। बिहार शरीफ में कर्फ्यू लगाया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जगह जगह पुलिस की तैनाती भी की गई है और पूरा बिहार शरीफ जो है वो 144 धारा 144 लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए आप, शुरू से अगर देखें तो सिर्फ आपको दवा दुकान और हॉस्पिटल जो है वो खुले हुए दिखाई देंगे। दवा दुकान एक है वो खुला हुआ है, बाद बाकी जितने दुकान हैं सब बंद पड़े हुए हैं। 144 धारा 144 लगा हुआ है, लोगों को तकलीफ़ होगी लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सब किए गए हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, दवा दुकान है वो भी बंद है लेकिन एक दवा दुकान जो है वो खुला हुआ है, ज़रूरत पड़ने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुनसान रास्ते जो देख रहे हैं आप, ये बिहार शरीफ के हैं। पुलिस की गश्ती जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। सासाराम, बिहार शरीफ, इन दो जगहों पर हिंसक झड़प जो है वो हुई दो धर्मों के बीच में रामनवमी के दिन, और उसके बाद पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो अपने तरीके से मुस्तैदी बरकरार रखी हुई है। एक अधिकारी है, उनसे बात करेंगे अगर वो बात कर सके तो, कि क्या कैसी व्यवस्था है। सर कैसी व्यवस्था है अभी यहाँ पर? अभी कैसी व्यवस्था है? अभी तो शांत है, देख रहे हैं शांति ही है। खबर ये भी आई थी कि शाम को कुछ गोलीबारी कल हुई थी देर से। अच्छा, इस बारे में नहीं बता पाएंगे जी। बिल्कुल, तो कब से है तैनाती आपकी यहाँ? ये ड्यूटी था ना रामनवमी के, उस समय से आप यहीं पे तैनात हैं, आपकी की गई है। पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है जी। हाँ, 144 लगा हुआ है। हाँ, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे जो कोई निकल नहीं रहा है नहीं। तो ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ अस्पताल एक है जिसकी वजह से आपको यहाँ थोड़ी भी चहलकर्मी जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि एक अस्पताल है यहाँ पर, डॉक्टर ममता रानी अस्पताल जो है यहाँ पर है, और इसके ठीक सामने एक दवा दुकान है वो खुला हुआ है। लेकिन अगर सामने आप देखेंगे, ठीक सामने पूरा मार्केट है। जब आप बिहार शरीफ में इन करेंगे, ये मार्केट पूरी तरीके से बंद है, एक भी दुकान जो है आपको खुले हुए नज़र नहीं आएंगे। चहलकर्मी जो है वो कम है, लोगों के अंदर भी एक हंग भी हुई है। दो गुटों में फिर से एक हिंसक झड़प जो है वो हुई है, फायरिंग हुई है जिसमें दो लोगों को गोली भी लगी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार शरीफ की तस्वीर है, और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाएंगे। इतवारी बाज़ार जो है ये, और पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस की गश्ती की टीम वो लगातार यहाँ आ रही है, गश्ती कर रही है। लोग, एक आध दो लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, कैसे कैसे यहाँ सब कुछ हुआ। और आप देख रहे हैं ये गाड़ी जो है वो मीडिया की गाड़ी है, मीडिया की गाड़ियाँ भी जो है वो आते जा रही है, और लोग जो है वो ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीर इतवारी बाज़ार की है, और जो एक धारा 144 लगाया गया है। सर क्या हुआ था? सर क्या यहाँ पे जो हुआ था ना जी, वो लड़के लोग जितने भी थे ना सब अपना उत्साह में थे, और क्या, रामनवमी के चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर लोग उत्साह में थे, अपने जा रहे थे, उमंग में अपना जा रहे थे। जनता जितने भी थी, जागरूकता होल था,
लोगों का ये जानकारी नहीं था कि ऐसा हंगामा होगा, खड़ा होगा, मगर एकाएक टेंडम ऐसा प्लानिंग लोग कर दिया कि यहाँ के लोग दहशत हंगामा पैदा हो गया। अच्छा, उसके बाद रीजन खड़ा हो गया कि ज़्यादा हंगामा होने के कारण हुआ, जहाँ तहाँ तोड़ फोड़ किया, जलने का शिकायत आ गया, उसमें जनता जनार्दन का सबका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी कैसा माहौल? अभी माहौल तो शांति है, बिल्कुल ठंडा है, मगर जनता का जो है हमेशा सतर्क रहने की संभावना है, डर बना हुआ है। लोग अपने अपने घर में बंद हैं और जनता किसी भी आदमी को दहशत में फैलता है तो डर इतना है कि आप भी बोलते हुए इधर उधर देख रहे हैं, किसका डर है, पुलिस का डर या? नहीं नहीं नहीं, आम जनता के नहीं, प्रशासन की डर है, प्रशासन की हमेशा डर है, और जनता को ये सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी हो सतर्क में ही रहना चाहिए। सर 144 लगाया गया है, जरूरत पड़ने पे ही आप लोग घर से निकल रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, अभी काम से बिल्कुल निकले हैं। समझे ना, अपने हम घर में ही रहते हैं, नेवर नेवर नेस्ट, मैं घोंसला में रहता हूँ ज़्यादा, बाहर रहना बिल्कुल दम पसंद नहीं करता हूँ। सारे दुकान जो है वो बंद, आप में से किसी का दुकान उकान भी है क्या? नहीं, सबका दुकान तो नहीं है, लोग यहाँ पे सब्जी वगैरह। अच्छा, लोकल आदमी है, लोकल आदमी सर हम लोग। क्या हुआ था, कुछ ऐसा है क्या जानकारी? बस वही समझ लीजिए जो रैली अथी वगैरह जलूस वगैरह निकला था। हुआ था कि नहीं ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कभी, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। सुनियोजित है ये सब, सोची समझी, सोची समझी साजिश है, पहले से इकट्ठा किया हुआ सब कुछ था सामान। यहाँ पुलिस प्रशासन का मेन गलती, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं होता। बताइए, एक और दो मोड़ पर फोर्स था, बताइए फोर्स था, जुलूस में फोर्स था, ये जुलूस में एक दो मोड़ पर पुलिस था, बताइए क्या करेगा? अचानक बहुत जबरदस्ती बनाया गया, किया गया है प्रशासन द्वारा, किया गया है प्लानिंग पहले से, बहुत प्लानिंग था। गोली बंदूक कैसे निकल गया, सोचिए आप लोग, जब रैली जा रहा है बढ़िया से शांति पूर्वक। गगन दीवान में सर आप लोग जी, गगन दीवान में आप लोग जाइए, जाएंगे कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई फायदा है सर? हम यहाँ से भी जाएंगे, हम नहीं पटना से ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, हम आप लोग जाइए, हम पटना से ही आ रहे हैं और अब हम यहाँ रुके हुए, हम यहाँ से वहाँ ही जाएंगे। बता दीजिए जगह कहाँ है, हम बता देंगे। सामने दम कहीं आपको घूमना नहीं है, गगन दीवान में जाइए, सब सब पूरा दम हो अथी हो जाएगा। स्टार्ट पहले प्रशासन को जानते हैं। हाँ, क्या बोल सबसे ज्यादा जो है ना, मेन प्रशासन का कोई योगदान ही नहीं रहा। अगर इसका योगदान रहता ये सब कुछ नहीं होता। पुलिस लाइन में 10,000 से ज्यादा पुलिस है, उसको क्यों नहीं सड़क पर उतारा? महिला फोर्स के दिया बेचारी, क्यों नहीं उतारा? क्यों नहीं उतारा इसको महिला, ये पुलिस को रोड पर? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, टोटल सबूत मिल जाएगा, न्यूज़ को नहीं जाने, कितना मराया है, कितना गोली लगा है, ऐसा नहीं जाने देगा तो हम बाहर से दिखाएंगे। जो राम भगवान जो बने थे ना, राम भगवान को गोली मार दिया, जो बच्चे को, जो राम भगवान बने हुए थे, अभी भी गोली मार दिया, रुका है नहीं, जहाँ तहाँ गोली बारूद चला ही रहा है। शाम को भी हम लोग जाते हैं मियां के इलाके में तो मारता है, बताइए आप क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अच्छा ये बताइए कि आप सब जुलूस में सब शामिल हुए थे जब, तो उस समय क्या कुछ हुआ था, मतलब माहौल शांतिपूर्वक था हम लोग माहौल, ठीक है ना? जैसे हम लोग लड़ाई करने रहते तो कुछ सामान वामान लेके जाते ना, वो लोग तैयारी था तो ना निकाला सामान, गोली छोड़ा, ये किया वो किया, रोड़ाबाजी किया तो ना स्टार्ट किया हिंदू लोग। अब हम लोग इतना भीड़ है, ईटाबाजी की जगह तो क्या होगा पब्लिक लोग का? पहले से प्लानिंग था वो लोग का। चलिए थोड़ा भीड़ इकट्ठा करिएगा तो आपको भी तकलीफ होगी, क्योंकि जो धारा 144 लगाया गया है, और ये तस्वीर इतवारी बाजार की है, बिल्कुल। तो दीवान, जगह का नाम दीवान है, बिल्कुल, तो वहाँ भी हम जाएंगे और लोगों का कहना आप वहाँ जाइए जी, बिल्कुल। तो देखिए इनका कहना है कि जो फोर्स है उनकी कमी थी यहाँ पर, और इतवारी बाजार है, ये तस्वीर आप एक बार दिखा लीजिए। 144 लगाया गया है, कर्फ्यू का माहौल है, और उसमें लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, फिर भी अपनी बातों को बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक गलती जो है वो देखने को यहाँ मिली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।